बेगूसराय में देर रात संदेहास्पद स्थिति में दो लोगों की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बखरी थाना के गोरियाही गांव की है। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो मृतक अपने साथियों के साथ होली के दिन शराब पी रहे थे, जिसके बाद अचानक तीन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर आनंद फानन में तीनों को पहले बकरी में इलाज कराया गया, उसके बाद हालात को गंभीर देखते हुए बेगूसराय भेजा गया। बेगूसराय आने के क्रम में गोरियाही गांव निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सहनी मौके पर पहुंचे। बिहार के कटिहार में विद्यालय के प्रधानाचार्य की दावेदारी पर विद्यालय में ही दो शिक्षकों के बीच दंगल हो गया। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस कुमारी नीलम की सेवानिवृत्ति के मौके पर स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान पदभार ग्रहण को लेकर शिक्षक निरंजन कुमार और शिक्षक मृत्युंजय कुमार अपने को सीनियर टीचर बताते हुए तूतू मैमे करने लगे। ये विवाद इस कदर तूल पकड़ा कि अचानक समारोह में कुर्सियां चलने लगीं और भद्दी भद्दी गालियों के बीच परिसर रण क्षेत्र में बदल गया। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सली होने का पूरा फायदा उठा रहे गुड्डू शर्मा उर्फ नवल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वो पटना के भगवानगंज इलाके में छिपकर रह रहा था। साथ ही अपने नाम का प्रभाव, डर और खौफ पैदा कर इलाके में लोगों से लेवी वसूल रहा था, मगर किसी तरह से इसके कारनामों की जानकारी पुलिस को मिल गई। सैलरी करीब 60,000 प्रतिमाह और संपत्ति 9,70,000 से भी अधिक। ईमानदारी की कमाई से ये अकूत संपत्ति खड़ी कर लेना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाजीपुर के घूसखोर सरकारी कर्मचारी की इतनी संपत्ति को देखकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भी हैरान है। एक राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर CIA के पास से 9,70,32,115 रुपए की संपत्ति मिली है। मामला वैशाली जिले में हाजीपुर के राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर रहे कुमार मनीष का है। बक्सर में तेज रफ्तार के कहर ने बाइक सवार दो युवकों की जान ले ली। वहीं इस सड़क हादसे में एक युवक बुरी तरह से जख्मी भी हो गया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर तीन युवक बिशुनपुरा से भदवर बड़ारी गांव जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। दो लोगों की मौत होता देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। रांची में मदद के नाम पर ATM बदलकर खातों से रुपए उड़ाने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले वैसे आम लोग इस गिरोह के ज्यादा शिकार बन रहे हैं, जो ATM के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। बुजुर्ग और महिलाएं निशाने पर रहते हैं। जरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगत डीही थाना एना भुइया बस्ती और दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले लोगों के दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और तलवारें भी चली। मारपीट के दौरान तीन राउंड गोलियां भी चली। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के पोला गांव में देर रात मामूली झगड़े में 60 वर्षीय बुजुर्ग को उसके सगे पोते ने हथौड़े से मार दिया। ऐसे उसकी मौके पर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सावना उरांव गांव में लगने वाला साप्ताहिक बाजार से शराब पीकर घर आया था। वो शराब के नशे में बकबक कर रहा था। इसी बात से गुस्साए पोते ने घर में रखे हथौड़े से उसके सिर पर 2-3 वार किया। इससे सावना उरांव की थोड़ी देर बाद मौत हो गई। चतरा पुलिस ने न्यू झारखंड प्रस्तुति कमेटी नामक एक आपराधिक गिरोह का खुलासा करते हुए उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 315 बोर का 2 राइफल, 51 कारतूस, 1 देशी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किया है। जिला के कटक मसाणी थाना क्षेत्र के छड़वा डैम से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को स्थानीय लोगों की मदद से शव को डैम से बाहर निकाला। मृतक की पहचान शिव चरण कुशवाहा के रूप में की गई है।